हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुबह का नाश्ता उपमा। ये मैंने सूजी लिए हैं, ये आधी कटोरी है, दो जन के लिए बनाने जा रही हूँ इसीलिए आधी कटोरी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैंने एक प्याज लिए हैं, एक छोटी सी प्याज लिए हैं बारीक काटी, और ये मूँगफली, करी पत्ता और दो सूखी मिर्चा, खड़ा मिर्चा, थोड़ी सी हरी मिर्च भी आप तीखे के हिसाब से डालिएगा। और तड़के के लिए ये चने की दाल, और इसमें राई और थोड़ा सा सरसों, पीला सरसों या ब्लैक सरसों कोई भी है, जो भी है आप ले सकते हैं। तो ये राई लिए हैं, थोड़ा सा सरसों लिए हैं। इसमें आप एक टमाटर भी काट के डाल सकते हैं और एक गाजर भी काट के डाल सकते हैं, जो भी आप डाल के बना सकते हैं। बस हम सिंपल और जल्दी से बनाने वाली चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। आप इसमें गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं, इसमें बारीक काट के, इस तरह से बारीक काट के डाल सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। मैंने ये कढ़ाई बैठा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें एक से दो चम्मच ऑयल डालेंगे, आप कुछ भी देसी घी या सरसों किसी से भी आप बना सकते हैं, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी में भी आप बना सकते हैं इसको। अब ये गर्म हो गया है, अब इसमें सबसे पहले ये मूंगफली दे देंगे ताकि मूंगफली फ्राई हो जाए। आप मूंगफली को पहले भी फ्राई करके उठा के रख सकते हैं, और मैं एक साथ जल्दी से बनाने की कोशिश करी इसलिए सब एक साथ इसमें डाल देंगे ताकि ये सब कुछ हो जाए। तो पहले मूंगफली डाल दिए हैं, ये थोड़ा सा फ्राई होने लगा है। अब इसमें चने की दाल साथ में, इसको भी साथ में फ्राई करेंगे। चने की दाल देना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा लगता है चने की दाल उपमा में। अब ये राई इसमें डाल देंगे, राई और सरसों दोनों है इसमें, इसमें डाल देंगे, चटकने भी लगा है। और खड़ा सूखा मिर्चा को तोड़ के इसमें डाल देंगे। करी पत्ता भी डाल देंगे। गैस को मीडियम आंच में रखिएगा, हाई फ्लेम में, और इसको एक साथ फ्राई करेंगे। थोड़ा ये चिपकता है फ्राई, और ये करी पत्ता जब डालने से फिर ठीक हो जाता है। अब इसमें ये हरी मिर्च अपने तीखे के हिसाब से डालिएगा, और ये एक प्याज बारीक, इसमें आप बोले हैं टमाटर भी डाल सकते हैं और गाजर भी। तो पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद गाजर और टमाटर को डाल सकते हैं इसमें बारीक काट के, तो वो कलरफुल भी लगेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब देखिए मेरा प्याज जो है ये फ्राई होने लगा है। अब इसमें इसी में गाजर और टमाटर अब दे देंगे बारीक काट के, तो इसको भी एक मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे, गाजर और टमाटर को फ्राई करेंगे। उसके बाद ही ये सूजी को इसमें डाल देंगे, सूजी को भी साथ में फ्राई करना है तो इसलिए सूजी को डाल देंगे। एक मिनट तक इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच में। मेरा ये एक मिनट हो गया है, सूजी को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, सब कुछ फ्राई हो गया है। अब इसमें गुनगुने पानी इसमें डाल देंगे, गुनगुने पानी गरम कर लिए हैं, पानी को करीब एक कप पानी इसमें लग गया है। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें नमक नहीं डाले हैं, इसमें अभी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब
अब इसको मिक्स करेंगे। पानी भी सोख लेगा और सूजी भी पक जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसमें पानी डाल दिए, देखिए पानी एकदम सूख गया है। मैंने एक कप पानी डाला है, वो भी गर्म पानी, गुनगुने पानी डाल दिए हैं ताकि जल्दी इसे हो जाएगा। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं इसमें डालना है। देखिए ये सूख गया है, ये मेरा तैयार हो गया है उपमा। अब इसी में आप थोड़ा सा देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। ये थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब सर्व कर देंगे। मेरा ये उपमा तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है उपमा मेरा। देखिए मेरा ये उपमा तैयार हो गया, सर्व भी कर दिए। कितना अच्छा लग रहा है। आप इसमें अगर गाजर देंगे तो कलरफुल लगेगा और भी अच्छा लगेगा देखने में। ये रेसिपी आप घर में ट्राई कीजिए, जल्दी से बन जाता है। बच्चे लोगों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। और बना के कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कैसे बना है। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।